सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल सी ए टी वी। और हम जो है वही ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के एम टी पी और सजेस्टेड के क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आर टी पी के तो देख चुके हैं, एम टी पी और सजेस्टेड के भी देख लेते हैं। ओके, तो क्या लिखा हुआ है कि ये पूरी डेटा आपको दे के रखा है। ये डेटा रिपीटेड डेटा है, ये डेटा आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आर टी पी में हम कर चुके हैं। ठीक, तो जो है इसमें कुछ है नहीं करने लायक। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की बात करें तो इसमें भी जो है रिटायरमेंट तक जो है एम्प्लॉय 30,000 पर मंथ कमाएगा, 30,000 पर एनम कमाएगा, और रिटायरमेंट को होने को अभी 12 साल बचे, नहीं सॉरी 2 साल बचे, 61, 62। तो आपने एक की डिस्काउंटिंग करी कैसे, 1/1.15 जी टी करा इंटू 30,000 करा, कितना आ रहा है, 48771, क्या 48771 आ रहा है, हाँ। तो आप 50 एम्प्लॉय का निकाल लो, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय इस तरीके से 50 एम्प्लॉय की आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमको कैलकुलेट करने का है और कुछ भी नहीं इसमें। अब ठीक है, ये हमारा हो गया राइट। और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का एक और क्वेश्चन है, क्या बोल कर रखा है कि वो लोन दे रहे हैं कम इकोनॉमिक वैल्यू एडेड को जिसका जो है 0 से ऊपर है ईवीए। इधर देखो, इधर टोटल आपका 18 लाख आएगा, देखो इधर ऐसा कुछ 18-19 लाख आएगा, देखो आया 18-19 लाख, तो बन बोलेंगे ईवीए ग्रेटर देन 0 है। ये क्वेश्चन भी आरटीपी में हमारा करा हुआ है, जहाँ पे हम पास्ट ईयर के जो है ईवीए को लेते हैं, पास्ट ईयर का नोपैड लेके रखते हैं, तो ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर टैक्स है। हाँ देखो, ये ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर टैक्स आएगा, जिसको अपन ने एडिट भी करा था, एडिट किया अपन ने उसको, नोट्स में भी लिखा था कि ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर टैक्स का मतलब यही होता है कि नोपैड है वो। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। अब एमबीए मार्केट वैल्यू एडेड का क्वेश्चन आया, ठीक है वो भी देख लेते हैं। तो अभी फिनेंशियल लेवरेज की हमने बात करके रख दी, ठीक है, फिनेंशियल लेवरेज की बात है। अब देखो, देख लेते हैं और भी क्वेश्चन इसमें, और भी पॉइंट देख लेते हैं। तो फिनेंशियल लेवरेज है, बकायदा जो है कि ईबीआईटी में से ईबीटी माइनस होगा, तो ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी, तो इससे अपन जो है ईबीआईटी कैलकुलेट कर लेंगे। ईबीआईटी जो है, ठीक है, ईबीआईटी हमारा 200 लाख हो जाएगा, नहीं सॉरी, ईबीआईटी अपना 280 लाख हो जाएगा, ठीक है, और ई बी टी भी माइनस कर लेंगे। देखो, ई बी आई टी अपन ई बी टी करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ई बी आई टी भी आ जाएगा, हम ई बी टी भी निकाल लेंगे और हम जो है पैड भी निकाल लेंगे। ये तो चलो हम निकाल लिए। ये शेयर्स देख रखा है, एक्यूमलेटेड प्रॉफिट को रिजर्व एंड सरप्लस बोला है। तो पहले हम जो है टोटल में देख लेते हैं कि 34,000 है इंटू 1,000 एक्यूमलेटेड प्रॉफिट से, ये सब लैक्स में देख रखा है, तो हम तो डायरेक्ट बोलते हैं 340 लाख का इक्विटी है, एक्यूमलेटेड प्रॉफिट 260 का है, और 800 के जो है डिवेंचर है। एक्सपेक्टेशन 17.5 है, तो ये अपना के ई हो जाएगा। के डी हम निकाल सकते हैं जो है हमारा 7%। तो के ई और के डी एक बार देख लेते हैं, के ई कितना है 17.5 और के डी है अपना 7, ठीक है। रही बात देखा जाए कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो हम ये कर लेते हैं कि जो है अपना 240 प्लस 260 प्लस 800, तो 600 डिवाइड बाई 1400, तो 600 डिवाइड बाई 1400 करोगे तो इक्विटी शेयर होल्डर का आ जाएगा और डिवेंचर शेयर होल्डर का भी आ जाएगा परसेंटेज। और इस तरीके से जो है हमने टोटल डब्ल्यू एस सी से निकाल लेंगे 11.5%, जो हम 1400 पे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो 11.5 1400 पे कैलकुलेट करेंगे तो 161 लाख आ जाएगा। अब ये जो 161 लाख है, ऑब्वियस सी बात है, इसको हम माइनस कर देंगे नो पैड से, ठीक है। तो नो पैड से माइनस कर देंगे, हमारे पास दे के रखा है क्या है, ये है ई बी आई टी 280 लाख। तो 280 लाख है, उसमें से टैक्स कितना परसेंट है, 30% माइनस करो, माइनस 161 करो, या आया 35, ठीक है, कुछ भी नहीं था इसमें खास। और ये बोल रहे हैं कि शॉर्ट नोट बनाओ मार्केट वैल्यू एडेड पे, तो मार्केट वैल्यू एडेड हमको बताया है कि फ्यूचर ईवीएस का कैश फ्लो होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है, ठीक है, वॉलेटाइल होता है, ठीक है, तो करंट ईयर का नहीं फ्यूचर्स का देखा जाता है, ठीक। और हाई मार्केट वैल्यू एडेड है मतलब कि जो है इन्वेस्टर ज़्यादा पे करने को तैयार है, ठीक, ये अपन बोल देंगे। मार्केट वैल्यू की हम डेफिनेशन लिख देंगे कि देखो, जो भी इक्विटी, जो भी हमारा पेड अप इक्विटी, शेयर प्रेफरेंस, डिबेंचर है, लोन्स है, माइनस कर देंगे अपन उसमें से जो है बुक वैल्यू, उसके सब माइनस कर देंगे, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब देखो, ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं क्या है। कैलकुलेट ईवीए, ठीक है, हमको तो ईवीए कैलकुलेट करना है। ये एमटीबी अक्टूबर 18 का क्वेश्चन है, एक बार फटाफट इसको देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये, ठीक, ठीक है। तो इसमें जो है टर्नओवर 17-18 का जो पीएनएल अकाउंट है वो बैलेंस शीट देख रखा है।
अब जो पी एन एल देख रखा है, बैलेंस शीट देख रखी है, द कंपनी परफॉर्मेंस इन रिगार्ड, वन सेकेंड, अब इसमें कंपनी परफॉर्मेंस इन रिगार्ड टू टर्नओवर वो इंक्रीज़ हो गया है 17%। परफॉर्मेंस इन रिगार्ड टू टर्नओवर इंक्रीज़ बाय 17% और इंक्रीज इन प्री टैक्स प्रॉफिट बाय 25%, बट शेयर होल्डर सेटिस्फाइड नहीं है कंपनी के परफॉर्मेंस इन द लास्ट 2 ईयर। ठीक है, अब हमें जो है ईवीए कैलकुलेट करना है। तो टर्नओवर इंक्रीज़ हुआ है 17% से, प्री टैक्स प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ है 25% से, फिर भी शेयर होल्डर सेटिस्फाइड नहीं है, तो एक बार हम कैलकुलेट करते हैं ईवीए, तो ताकि हम पता कर सके कि शेयर होल्डर क्यों सेटिस्फाइड नहीं है। सबसे पहले जो है ईवीए, तो नोपैट केओ और हम जो है कैपिटल एम्प्लॉयड, पहले अब हम नोपैट की तरफ जाते हैं। प्री टैक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात हम कर चुके थे, ओके। तो प्री टैक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट है, तो प्री टैक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट को पीबीटी बोलेंगे, ईबीआईटी नहीं बोलेंगे, तो मैंने उधर नोट्स में करेक्ट कर लिया है इसको, इसको जो है पीबीटी बोलेंगे, राइट। अब पीबीटी बोल के रखा है तो ऑब्वियस सी बात है, इस पर समझो कि हमको नोपैट निकालना है। इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 8 दे के रखा है, तो उसको आफ्टर टैक्स करो और आफ्टर टैक्स करके ऐड कर दो, ठीक है। अब टैक्स का परसेंटेज हमको नहीं पता, ठीक है, पर सॉरी 35% है, तो उसमें जो है 35% आफ्टर टैक्स ऐड कर दो। तो ऐसा करो कि पहले पैट में इंटरेस्ट 1-3 कर दो, ठीक है। तो पैट पहले निकाल लो, तो 88 आ गया प्लस इंटरेस्ट 1-3 कर दो, तो 92.3 आ गया, ठीक है। तो हमने एक साल का निकालेंगे, 92.3 आ गया नो पैट। अब केओ और कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का जो है डेटा पूरा देख रखा है, ठीक है, पर इक्विटी शेयर होल्डर फंड देख रखा है, लोन देख रखा है, केई देख रखा है 15% और केडी देख रखा है, तो जो है प्री टैक्स देख रखा है ना 9%, तो उसको आफ्टर टैक्स कर दो, ठीक। तो अब देखो, नो को आफ्टर टैक्स करा तो 35% माइनस कर दो 9 में से, तो 5.85% है, तो 5.85% जो है वो है हमारा जो केडी का है, और जो है केई वो 15% है, तो 15% ले लो। और इस तरीके से जो है आप वेट्स निकाल लो, वेट्स निकाल के कैलकुलेट कर लो। अब ये जो असेट देख रखी है, ये असेट हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग असेट होती तो एक बार हम इसको माइनस भी कर देते, जैसा कि अपने क्वेश्चन में पहले करा था आरटीपी के, जहाँ पे हमने कैपिटल डब्ल्यूआईपी वो सारी चीज़ें जो है माइनस करके रखी थी, ठीक है। नॉन ट्रेड एडवांसेस इन्वेस्टमेंट ये हमने सब माइनस करके रखा हुआ था। तो ईवीए जो है 27.35 था, अब 26.35 हो गया है, तो ईवीए कम हो गया है, इसलिए शेयर होल्डर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। बाकी जो क्वेश्चन है कि स्ट्रिंजेंट बैंक वाला क्वेश्चन है, तो इसमें बैंक क्राइटेरिया फॉर पॉजिटिव इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, बैंक जो है उसी कंपनी को लैंड करेगी जिसका ईवीए जो है 0 से ज़्यादा है, ठीक है, ईवीए जो है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो उनको ही लैंड करेगी। अब देखो, ईवीए 0 से ज़्यादा है, तो इधर 19 लाख वाला क्वेश्चन था, आरटीपी में करा हुआ क्वेश्चन है, ये ईजी क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन इधर भी है कि बैंक उसी को ही जो है लैंड करेगी जिसका ईवीए जो है 0 से ज़्यादा है, तो ये वो भी वही क्वेश्चन है, ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि ये जो है इसमें लेवरेज देख रखा है, तो इस लेवरेज से हम जो है ईबीआईटी निकाल लेंगे, जो लेवरेज देख रखा है इससे तो हम ईबीआईटी निकाल लेंगे, ठीक है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर देख रखा है, डिबेंचर देख रखे हैं, ठीक है। अब ओके, इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट देख रखा है, पर उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, अगर हम देखें तो कैपिटल एम्प्लॉयड में हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक। अब समझो कि इसमें जो है अगर बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट देके रखते, तो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट देके रखते तो हम नहीं लेते। अब इधर जो है ये इन्वेस्टमेंट देके रखा है, तो एक तरीके से हमको जो है ये ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में माइनस करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो हमको जो 100 है वो हमको माइनस करना पड़ जाएगा, तब जाके जो है हमारा ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माना जाएगा। पर हम जब वेट निकालेंगे तब तो हम 1200 का ही वेट लेंगे, और इससे हम WACC निकाल लेंगे। अब WACC के लिए बकायदा हमको KD चाहिए, तो KD भी निकल जाएगा, KP भी निकल जाएगा, और KE भी निकल जाएगा, क्योंकि मार्केट रेट ऑफ रिटर्न देख रखा है, बीटा देख रखा है, तो इससे हमारा वो भी निकल जाएगा, KE निकल जाएगा, तो इससे हमारा WACC निकल जाएगा। तो WACC निकल जाएगा, हमारे पास टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, उसमें से ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग वाला माइनस करके ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे, तो इससे हम जो है कॉस्ट निकाल के नो पैड में से माइनस कर देंगे। नो पैड भी हम निकाल ही चुके हैं, क्योंकि हमारे पास ईबीआईटी है, ईबीआईटी में से टैक्स माइनस कर दो। फिर एक और जो है क्वेश्चन आता है, जिसमें वही पॉइंट है कि इकोनॉमिक जो है लोन उनको देंगे जिसका ईवीए 0 से ज़्यादा है, और यही 19 लाख वाला क्वेश्चन है जो अपने आरटीपी में करके रखा है, ठीक है। स्किल्ड एम्प्लॉय अनस्किल्ड एम्प्लॉय पर एक क्वेश्चन था, जिसमें याद है तो अपने को 62 और 63 है, तो एक एम्प्लॉय का निकालेंगे कि एक एम्प्लॉय की अर्निंग कितनी है, तो 50,000 3 साल तक मिल रहे हैं 62 से 63, तो उसकी डिस्काउंटिंग कर लेंगे, तो वही एक एम्प्लॉय का आ जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे स्किल्ड का आ जाएगा। ऐसे ही अनस्किल्ड का निकाल के हम जो है टोटल वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज निकाल लेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ खास नहीं था इसमें। अब वापस जो है इसमें इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालना है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के लिए भी 1 सेकेंड
ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी कि फिनेंशियल लेवरेज देख रखा है तो हमने EBIT निकाल लिया। अब EBIT है तो उसमें से टैक्स माइनस करके जो है डायरेक्ट हम NOPAT निकाल लेंगे। ठीक है, NOPAT हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब रही बात है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, तो बी वाले पॉइंट में हम अगर बात करें तो हमारे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो ये तीनों चीज़ें ऐड कर देंगे, ये भी ऐड कर देंगे। वो प्रपोर्शन जब लेंगे तो कैपिटल इम्प्लॉयड में तो पूरा आएगा, पर इसका एक प्रपोर्शन रहेगा और इसका अलग रहेगा, मतलब कि 50 लाख × 10 500 लाख को अलग से लेकर चलेंगे। देखते प्रपोर्शन में लेकर चले कि नहीं चले, तो देखो 500 वालों को अलग से लेकर चले, और इस बेसिस पे जो है हम RTP में क्वेश्चन लेकर हम कर चुके थे। तो जो 500 का है उसका 20% वेट है, KD हमने निकालिया 1-T, 2000 का 80% वेट है, KE है 15%, जब कुछ नहीं दे के रखे तो डिविडेंड का रेट ही हमारा हो जाता है KE। इधर भी ऐसे ही है कि डिविडेंड का रेट आपको दे के रखा है, तो ये हमारा KE हो गया। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन वही है कि 2 साल का आपको दे के रखा है, प्री टैक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट है तो उसको PBT बोल देना, और इसमें भी जो है ये जो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट देकर रखा है तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे, इसको ही लेंगे। और शेयर होल्डर डिससेटिस्फाइड है, शेयर होल्डर सेटिस्फाइड नहीं है, तो रीज़न फॉर नॉन सेटिस्फेक्शन कैन बी इवेल्यूएटेड। तो नॉन सेटिस्फेक्शन इसलिए क्योंकि EVA कम हो गया था, EVA डिक्लाइन हो गया है 1 करोड़ से, तो ये नॉन सेटिस्फेक्शन का रीज़न था जिस पर अभी अपन क्वेश्चन कर चुके हैं, जहाँ पर हमने जो NOPAT भी निकाला, ऑपरेटिंग कैपिटल भी आपको जो है प्रॉपरली दे के रखा है, और जो ऑपरेटिंग कैपिटल दे के रखा है वही हम इधर जो है कैलकुलेट करें WACC में, क्योंकि WACC में क्या होता है कि हम जो है KO को मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऑपरेटिंग कैपिटल इम्प्लॉयड से NOPAT में से माइनस करते हैं, तो ऑपरेटिंग कैपिटल इम्प्लॉयड को हमने 500 ही लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना 12.99% आ जाता है हमारा WACC। अब यही 12.99% हम 500 पे लगाते हैं, ये 14.34% हम 632 पे लगाएंगे। अब ये 632 कैसे आया होगा, ये जो है सिंपल सी बात है, 472-160 को ऐड कर दो तो 632 आ जाएगा। तो एक साल का कैलकुलेट कर लिया था हमने, हम दूसरे साल का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमको 2 साल का कैलकुलेट करना हो, बताना है कि EVA डिक्लाइन हो गया है 1 करोड़ से, इसलिए जो है सही शेयर होल्डर सेटिस्फाइड नहीं है। मार्केट वैल्यू एडेड की बात करें तो मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू एडेड इज द मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, उसमें से बुक वैल्यू माइनस कर दो तो मार्केट वैल्यू एडेड हो जाता है। अब उसका जो कैलकुलेशन है ये तो अपन ने नॉर्मल समझ लिया कि मार्केट वैल्यू में से हमने बुक वैल्यू माइनस कर दी, इसका अगर कैलकुलेशन है तो उसका कैलकुलेशन वही है कि पेड अप इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन डेप्ट, उसमें से हम जो है वो जो है वो बुक वैल्यू है, उसमें से मार्केट वैल्यू हम इक्विटी एंड डेप्ट की माइनस कर देते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि रिजर्व एंड सरप्लस को मार्केट वैल्यू में तो लेते नहीं है, तो इक्विटी एंड डेप्ट की माइनस कर देते हैं। तो जो मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब कि कंपनी अच्छा वर्क कर रही है, वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, लोग ज़्यादा पैसे देने को तैयार है, और जो है नेगेटिव MBA, तो नेगेटिव MBA का ये मतलब है कि मैनेजमेंट एक्शन जो और इन्वेस्टमेंट जो है वो जितना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड है उससे भी कम है, तो वेल्थ और वैल्यू जो है दोनों डिस्ट्रॉय हो रही है। तो जितने बुक वैल्यू है उससे भी कम जो है एंटिटी की वैल्यू है, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, मतलब सब्सटेंशियल वेल्थ शेयर होल्डर के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने MTP के भी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब एक बार जो है हम इसके 21 के क्वेश्चन देख लेते हैं, MTP 21 के। अब ये वही 19 लाख वाला क्वेश्चन वापस आ गया कि ग्रेटर देन जीरो होगा तो 19, अभी ग्रेटर देन जीरो निकल गया तो इनको लोन पे हो जाएगा। तो 19 लाख वाला क्वेश्चन RTP में बहुत बार अपन कर चुके थे, लीव एंड स्कीवर्ड्स मॉडल से कैलकुलेशन करा था तो वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय निकाले थे, तो ये दो कैटेगरी के एम्प्लॉय थे, स्किल्ड और अनस्किल्ड, और डिस्काउंटिंग करनी थी, तो इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये भी ईजी क्वेश्चन अपन ये कर चुके थे। तो ये हो गया MTP, पहले MTP का क्वेश्चन। MTP जो दूसरी MTP है उसमें भी 19 लाख वाला क्वेश्चन आ गया था, इजी क्वेश्चन था, असेट में से लाइबिलिटी का तो माइनस कर तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, और जो है इसमें से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको दे के रखी थी, तो इजी क्वेश्चन था, ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं इसमें खास। तो इसमें हमने जो है ऐसे क्वेश्चन था, ये इजी क्वेश्चन था, ठीक। EVA का भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, RTP में करा हुआ है। सजेस्टेड की बात करें तो सजेस्टेड में January 21 का सजेस्टेड था, तो वैसे तो एग्ज़ाम में आएगा नहीं, बट फिर भी हम एक बार फटाफट देख लेते हैं कि सजेस्टेड में EVA के ऊपर कैसा क्वेश्चन था। देखो व्यास के ऊपर तो क्वेश्चन था, हमने देख लिया, EVA के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया था, राइट, देख रहा हूँ मैं भी वही कि EVA के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया था। ओके, तो नहीं आया था तो ठीक है, हमने व्यास वाला क्वेश्चन तो कर लिया था, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट का, ठीक। तो मैं देख लेता और कंपलसरी में तो नहीं फंसा ये EVA का क्वेश्चन, नहीं EVA का क्वेश्चन नहीं आया था। ओके, तो ये हो गया हमारा सजेस्टेड में जो है बच्चे पे सजेस्टेड हम देख लेते हैं। अब देखो ये हमको EVA का क्वेश्चन आया जिसमें हमको इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालना है लैंड का,
तो सिंपल सी बात है कि अभी अपना ने एक पढ़ा था कि बीटा अगर पिछले 5 साल का देख रखे तो हमको हाईएस्ट बीटा उठाना है, तो हाईएस्ट बीटा है जो 0.90 है, ठीक। तो बीटा जो देख रखा है वो पिछले 5 साल का, ठीक है, बीटा देख रखा है हमने, तो हाईएस्ट बीटा उठाएंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन में देखा था कि मोर देन वन बीटा है पास में, तो हम हाईएस्ट बीटा लेते हैं केई के लिए, ठीक है। पैट देख रखा है तो नो पैट भी निकाल लोगे आप, ठीक है, तो नो पैट हो गया हमारा। केओ निकालना है, केओ के लिए कैपिटल इम्प्लॉयड का स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है, तो इक्विटी कैपिटल में 740 तो ये हो गया, तो 740 डिवाइड बाय 777 करोगे, तो देखो यही एक तरीका है वेट निकालने का। देखते हैं इसी तरीके से वेट निकाला कि नहीं निकाला, ठीक है। तो इन्होंने इसी तरीके से वेट निकाला है, तो वेट निकाल के जो है इन्होंने वेट निकाल के तो परसेंटेज ऑफ, ठीक है, उसको के ई से मल्टीप्लाई किया, वैसे ही 37 डिवाइड बाई 777 किया, तो उसको उन्होंने जो है के डी से मल्टीप्लाई किया। अब जो जैसे कि 5.10 जो है हमारा है इंटरेस्ट, 5.10 डिवाइड बाय अगर हम बात करें तो 37 है लोन का, तो हो गया 13.78। तो ये जो है 13.78 है, तो उसमें से ऑब्वियस सी बात है कि आप वो जो है 30% माइनस करोगे तो के डी तभी आएगा 9.65%। तो इस तरीके से हमको आफ्टर टैक्स लेना पड़ेगा के डी, तो के ई इंटू डी, के ई इंटू ई, के डी इंटू डी, इस तरीके से आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल जाएगा। कैपिटल इंप्लॉयड आपको देके रखा है, नो पैट आप निकाल लोगे, तो इस तरीके से ई वी ए भी कैलकुलेट हो जाएगा। लीवेंस कीवर्ड मॉडल का ये क्वेश्चन तो फेमस क्वेश्चन है, ये तो अपन कर चुके हैं। इसमें एक ये याद रखना कि जब हम के डी ले रहे थे तो इन्होंने 0.90 लिया है, मतलब वही उन्होंने हाइएस्ट बीटा लेके रखा है। अब इधर देखो जैसे कि ग्रेटर देन जीरो है, तो जैसे 19 लाख वाला क्वेश्चन था वो 21,60,000 हो गया, पर है ग्रेटर देन जीरो वाला क्वेश्चन ईजी था, जिसमें टोटल असेट और टोटल लाइबिलिटी देके रखी थी, तो हमने कैपिटल इंप्लॉयड निकाला और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी देके रखा था 12%, तो हमने वो भी निकाल लिया। 12% की बात करें तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% इधर देके रखा है। फिर एक क्वेश्चन था फाइनेंशियल लीवरेज वाला, जिसमें हम जो है 120 और 80 लाख को साथ ही साथ, ये कोई कॉमन शेयर है, इससे हम एक वेट निकालेंगे डिबेंचर का, एक वेट निकालेंगे तो शायद वो 20%, अच्छा ओके 23% और 77% आया। कॉस्ट की बात करें तो 12% है, तो 12% है तो ऑब्वियस ही बात है कि इसमें हम 25% माइनस कर देंगे, तो इसमें जो है 9% आ जाएगा, वो बच्चे का 12% रहेगा, तो इससे अपन डब्ल्यू एस ए सी निकाल लेंगे। ये रेट 11.31%, अब अपन ऑपरेटिंग कैपिटल इंप्लॉयड पे निकालेंगे। ऑपरेटिंग कैपिटल इंप्लॉयड जो है वो उसमें कोई माइनस करने का तो है नहीं, तो जो इक्विटी रिजर्व रिजर्व देके रखा है उसको ही ऐड करके ऑपरेटिंग कैपिटल इंप्लॉयड भी निकल जाएगा, और हमारे पास जो है बकायदा इसमें नो पैट है और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकल जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, ठीक ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है MTPO सजेस्टेड के EVA के क्वेश्चन ओवर कर दिए। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है दूसरे ASS के बारे में बातचीत करेंगे।